आज सरकार इस बात का इंतजार नहीं करती कि नागरिक उसके पास अपनी समस्याएं लेकर आएगा, अब सरकार नागरिक के पास जाती। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज की बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज, केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार ने किया बहुत बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास लेबर कार्ड यानी श्रम कार्ड है तो आपको मिलेगा इन योजनाओं का लाभ। और कैसे करें श्रम कार्ड के लिए आवेदन, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि बच्चों की शिक्षा के लिए 60,000 रुपए देगी सरकार, और दोस्तों बेटी की शादी के लिए 55,000 रुपए देगी सरकार। दोस्तों एक महिला को बच्चे के जन्म के समय 25,000 रुपए देगी सरकार, और पुरुष को बच्चे के जन्म के समय 12,000 रुपए देगी सरकार। तो दोस्तों कैसे मिलेगा ये लाभ और कैसे करेंगे आवेदन, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और दोस्तों आवेदन करने वाले की उम्र कितनी होनी चाहिए, और दोस्तों उसकी वार्षिक यानी मासिक आय कितनी होनी चाहिए, कौन आवेदन कर सकता है, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों रोजाना सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपको बता दें कि भारत के विभिन्न राज्यों के भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक के कल्याण बोर्ड अपने राज्य के श्रमिकों के लिए काम करते हैं और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाएं बनाते हैं, जिसमें से श्रम कार्ड योजना यानी लेबर कार्ड स्कीम सबसे लोकप्रिय है। दोस्तों आपको बता दें कि इसके लिए आप आवेदन कैसे करेंगे और कौन कर सकता है श्रम कार्ड के लिए आवेदन। दोस्तों सबसे पहले आपको एक भारतीय नागरिक होना जरूरी है, आप एक असंगठित कार्यकर्ता होने चाहिए, आपकी उम्र 18 साल से 40 साल के बीच होनी चाहिए, और दोस्तों आपकी मासिक आय 15,000 से कम होनी चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि बच्चों की शिक्षा के लिए 60,000 रुपये मिलेगी आर्थिक मदद। दोस्तों किसी भी गंभीर बीमार की स्थिति में राज्य सरकार पूर्ण सहायता प्रदान करेगी। दोस्तों कार्ड धारक की यानी जिसके पास लेबर कार्ड यानी श्रम कार्ड होगा उसकी बेटी की शादी में 55,000 रुपए देगी योगी सरकार। और दोस्तों आपको बता दें कि अगर किसी भी महिला के बच्चे के जन्म के समय योगी सरकार 25,000 रुपए देगी, और पुरुष को बच्चे के जन्म के समय 12,000 रुपए देगी सरकार। अपने राज्य की सभी लोगों को सरकार दे रही है इन योजनाओं का लाभ। तो दोस्तों अगर आपके पास श्रम कार्ड यानी लेबर कार्ड है तो आपको भी इन योजनाओं का लाभ मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको कमेंट करके बताना है आपके पास श्रम कार्ड है या नहीं, लेबर कार्ड है या नहीं, और दोस्तों आप कौन से राज्य से ही वीडियो देख रहे हैं। तो दोस्तों अगर नहीं है तो आज ही बनवाएं श्रम कार्ड और पाएं इन योजनाओं का लाभ। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, रोजाना सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आप अपना कीमती